नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लाहौल व मनाली दौरे को लेकर आज अटल टनल सैलानियों के लिए बंद रखे गए हैं, जहां राष्ट्रपति आज देश की अत्याधुनिक अटल टनल रोहतांग का पूरा मुआयना करेंगे। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के खाते से करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई है, जिसके बाद जांच को लेकर ईडी आज कानपुर जाएगी और इस मामले की जांच शुरू करेगी। आज जारी होंगे राजस्थान 10वीं बोर्ड के रिजल्ट। छात्र राजस्थान शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2022 का अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र सभी डीईओ कार्यालय द्वारा आज वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि अगर अंक पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र में फोटो की त्रुटि होती है तो उसे तुरंत बोर्ड के पास जमा कराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बता दें कि हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद हैं। बीएसएफ वर्कशॉप सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बीएसएफ के आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंध कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पारा स्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। वहीं कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की भी संभावना है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के अंतिम दिन वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। अब नहीं होगा सेप्टिक टैंक की सफाई के वक्त श्रमिकों की मौत। आईआईटी मद्रास ने बनाया होमो सेप रोबोट। यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में एक बार फिर से ट्वीट कर उनका हक दिए जाने का आग्रह किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कोई उपकार मत कीजिए इन्हें, बस इनका हक इनका रोजगार दे दीजिए। राष्ट्रपति चुनाव के शेड्यूल का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा गर्माहट बिहार की सियासत में आ गई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री श्रमण कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए योग्य बताया। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने की मांग कर डाली। कल हुए राज्यसभा के लिए चुनाव में 16 सीटों के रस्साकसी के बीच हरियाणा की 2 सीट और राजस्थान की 1 सीट तथा महाराष्ट्र के 1 सीट पर काफी रस्साकसी हुई। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार और संगठित क्षेत्र के कामगारों सहित अन्य असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को स्किल ट्रेनिंग देगी। इसके तहत दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खास ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कौशल को बेहतर बनाना है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 15 जून से पंजाब से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक वॉल्वो बसें चलाने की घोषणा की और कहा कि इन बसों का किराया निजी बसों की तुलना में लगभग आधा होगा। झारखंड में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी जाति वर्ग के असहाय लोगों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश में करीब 15 लाख लोगों को पेंशन देने की योजना है। जम्मू में भद्रवाह के बाद किश्तवाड़ में भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास अंधाधुंध गोलियां चली। यहां एक पुलिसकर्मी ने महिला की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली। वहीं इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार को गोली लगने से घायल हो गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे के रूप में दी गई राशि से आयकर नहीं काटा जा सकता। दिलीप कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में जुम्मे के नमाज के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पीएसी की ट्रक को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने कई जगह आगजनी भी किया। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयकर विभाग सुल्तानपुर द्वारा साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुनील कुमार श्रीवास्तव आयकर विभाग नोडल अधिकारी ने की। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत सभी मस्जिदों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक महुआ सुधा सिंह के निर्देश में जनपद के समस्त मस्जिदों पर जनपदीय पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही आमजनों से अपील की गई कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। महुआ पुलिस शांति व सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। महुआ के जिलाधिकारी मनोज कुमार ने विकास खंड करवई के ग्राम पंचायत सिचौरा में ग्रामीणों की समस्याओं को चौपाल लगाकर सुना तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। महुआ के पनवारी स्थित सतगुरु सत्संग माधवगंज काशीपुरा में 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा शंकर पार्वती श्री राम दरबार राधा कृष्ण दुर्गा माता 18 पुराण श्री राम कथा का आयोजन हुआ, जिसे सुनकर लोगों ने धार्मिक लाभ उठाए। काली इलायची के सेवन से गैस के साथ भूख न लगने की समस्या को भी आप दूर कर सकते हैं, इसलिए अपने भोजन में काली इलायची को शामिल जरूर करें। तो ये थी सुबह की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।